वंदेहम श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरेण च मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। संसार दुख जलधौ पतित शकाम क्रोधादिन क्रम करहैर कबली कृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलम्बम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अस्ते स्वस्तरणे करग्रविगलत्कल्पप्रसनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसन् गोपिसहस्रावृतम् हस्त न्यस्त नतापवर्गमखिल दारं किशोराकृति श्रीमद्भागवतं नौमि यश्चैकस्य प्रसादतः अज्ञतामपि जानाति हि स्वर्गसर्गगमानपि। वृषारूढं उमाकान्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। विद्युल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्धकारुण्यरसाप्लुतपद्मनिद्रां वृन्दावननवनिकुञ्जरसेकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनौ। श्रीरूपं शाग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं चाशयनसुखदायकम्। एषां सहजस्निग्धानं पादरेणमभिक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवे प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का नित्य सत्संग में हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्री ठाकुर जी की बालचरित से लेकर के पौगंड लीला आदि का वर्णन चल रहा था। पूर्व दिन हमने श्री ठाकुर जी की यज्ञ पत्नियों के ऊपर जो कृपा भगवान ने किया, ठाकुर जी ने किया, उसका आस्वादन किए। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी के गोवर्धन धारण जो लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं। अथो गोवर्धन धारणम, गोवर्धन धारण लीला का वर्णन करते हुए श्री ठाकुर जी की स्तुति करते हुए गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। अमंद मद मंडले रलमाखंड माखंडलम न्यारोद्धरवसेन यहा प्रीथो मुदस्य गोवर्धनम आचंड कर माधुरी पटल दंडितुंड श्रियम तामात्वर मंडनम मकर कुंडल त्वं भजे हेतुपाद जजल्पित ब्रजवासवाधरमर्दने भूसूरत करो गो महीधरो पूजनोत्सव वर्धने पर्वतार्चन संपदर्जनो हेतुतापरिबोधके कल्पिता तुलशोप संकुल शशकुली दधिमो दुके पुष्पो वंदन धातु चंदन मंडिताखिल गोधने गोप मंडल कल्पिता चल शानु कंदर शोधने उद्भटावर बोधरत्सव संजिता खिल बंधुते तत्परी क्रम पोजन क्रम भुरी संभ्रम संधुते साधारूपम विग्रहोत्तम भुक्त विस्फुर दोदने मंगलाकर विस्फुरत्वर वृंदवल्लभ मोदने रुष्टो वाष्व वृष्टि संप्लव खिन्न गोकुल वेष्टिते त्रास संकुल बंध मंडलो शर्मदाद्भूत चेष्टिते दक्षिणे तरपान विस्फुरो शीलितातुल पर्वती विभ्रमांकुर निर्धुतो धूर जंभ मर्दन गर्विते गोत्रो गहब्बर वासिताब गोत्र गहब्बर वासितब्भार विहब्बनात्मशोरिज्जने कारितोद भवदद्भुतार्णवो बांधव प्रोजमज्जने नन्दिताशय मित्र संचयो वीक्षितो स्फुरदादने मेदुरस्मित भूमधिकृत रक्तजौवतमानने भेतनन्दित विस्मयाचित मातृपाण्यपलालिति चारु चंचल लोचनाञ्चल राधयापि निभालिते
मारुतन मद चंड नीरद मंडला शनिवारणे शंको दंतिक शत्रु संचित गर्व चर्वण कारणे सप्त बाश्वर हस्त संस्पर्शायता तुल पर्वते निर्मदी कृत शत्रु संप्रत नीरदे क्षण निर्वृते मंजुभाषित मुद्रया कृत बांधवा वल निष्क्रमो कौतुकोच्चल मित्र मंडल गीत मंगल विक्रमे पादपोज्ज्वलोत्तन निज स्थल योजित प्रवराचली सर्वदा ब्रज बांधव ब्रज रक्षण व्रतनीश्चले फुल्लो वल्लव नाथयोर नव हर्ष वीक्षण सक्षणे कुंकुमाक्षत पल्लवाक्षत पल्लवी ग्रीत रक्षणे छन्न भाननी शैल शाननी पिटितो प्रवरांशुके भीतो लज्जित शक्र बंदित पाद पंकज पांशुके स्मेरो सम्मुखो विस्फुरन मोख लुप्त वाशवो भी भ्रमे तन्मनो हर वर निर्भरो भारती भर विभ्रमे गो शिव प्रदो मिंद्रतापद मित्य निर्भर नंदिति गाय दंबर लंबितो गुरु राग डंबर बंदिते मुग्धो शौरव दिग्ध शौरव दुग्ध पूरो कृतक्षणे कल्पिता अखिल पिष्ट पातुल ताप मंडल मोक्षणे मत्त कोकिल विभ्रमे किल माधवत्वी सम्मुखी वर्तता मम पुरुषोत्तम लोल बुद्धिशील मुखी श्याम तुंग भुजार्गले विनिहतो कृष्णेन वृष्टि छटा धौतेर धातु भिरेश ताल कुनटी मुख्यैर गिरि गौरितः शुद्धाष्ट पद कल्पितस्य विपुल छत्रस्य लक्ष्मीभरम् बिभ्रद गाढ रत्न निर्मित महादंडस्य विभ्राजते। इस प्रकार से श्री गोस्वामी पद श्री ठाकुर जी के गोवर्धन लीला का वर्णन किए हुए हैं। तो आगे कह रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टिकाव में श्री गोस्वामी पाद की जो भाव है उस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। श्री विद्याभूषण पाद लिख रहे हैं वर्णनीयम गोवर्धन चरितम संक्षिप्तता बोधा, जो गोवर्धन चरित है जो वर्णना करने की योग्य है उसका वर्णना अभी संक्षिप्तता बोधा हो संक्षिप्त में उसका वर्णना कर रहे हैं। अमंद इति जो अमंद मद मंडली अखंड मंडली अमंद मद मंडली रलमाखंड माखंडलम इत्यादि कह करके जो है वर्णना कर रहे हैं। हे मकर कुंडल हे मकर कुंडल त्वम अहम भजे, अर्थात जिन्होंने अपने श्रुति में कर्ण में मकराकृति कुंडल को धारण की हुई है ऐसे जो श्री गोविंद हैं त्वम तुम अहम त्वम भजे मैं आपको भजना करता कीदृशम कि आप कैसे हैं। अचंड करस्य चंद्रस्य माधुरी पटलम दंडयति तिरुष्कृति तादृक तुंड श्रीर मुख कांति जश्रुतम। अचंड करस्य अर्थात चंद्रस्य
चंद्र हैं, चंद्रमा, उस चंद्रमा की जो माधुरी पटलम, जो चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा है, उस चंद्रमा में जो कांति है, जब पूर्णिमा का रात हो तो उस समय जो चंद्र एकदम पूरे खिल जाते, पूर्ण चंद्रमा है, उसकी एक दिव्य छटा इतने मधुर लगते हैं। तो ऐसे शीतलता प्रदान करने वाले जो चंद्र की ज्योत्सना है, जो माधुरी वर्षण करते मानो कि अमृत वर्षण है, ऐसे माधुरी पटल को भी दंडती यानी तीरुष करती। मिताई वोर हरी वो तो कह रहे हैं दंडयति तिरस्कार होती, यानी उस चंद्रमा की स्वभाव को भी तिरस्कार कर रहे हैं। क्या है जो चंद्रमा की स्वभाव को भी माधुरी को भी तिरस्कार कर रहा है, ऐसा क्या है? तो कह रहे कि तांत्रिक तुंड, ऐसे आपके तुंड है, तुंडम इत्युक्ते कह रहे हैं श्री मुख कांतिर यश्यत्वम, अर्थात आपके मुखारविंद की कांति ऐसे अद्भुत ऐसे सुंदर है कि वह चंद्रमा की जो माधुरी है जो कांति है उसको भी तिरस्कार कर रहे हैं, पराभूत कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान आपके मुख माधुरी, श्री मुख के शोभा माधुरी है, यानी ऐसे माधुरी को भगवान धारण की हुई अपने मुखारविंद का कि वो चंद्रमा को भी तिरस्कार कर रहे हैं। आत्तानि धृतानि वरानि मंडलानि कटक केवरादिनी जैन, अर्थात श्री भगवान अपने श्री अंग में वरमंडलानि श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो अलंकार आदि है, कटक केवर आदि, उन अलग अलग केवर आदि को इन्होंने धारण किए, मतलब जो अलग अलग अलंकार है वो सभी अलंकार श्री भगवान आपने श्री अंग में धारण की हुई है, ऐसे अद्भुत शोभायमान लग रहे हैं। श्री ठाकुर जी इतने अद्भुत लग रहे, कटक केवर आदि जो है सुशोभित हो रहे हैं, श्रृंगार की हुई है, तो उनकी शोभा बहुत ही सुंदर है, ऐसे अद्भुत श्री ठाकुर जी लग रहा है। तत्र वशेन हर्षेन प्रथम अति गुरुम गोवर्धनम गिरीम उदस्य उद्धृत अमंद मदमंडले उत्कटो पर्ववृंद अखंडम पूर्णमाखंडलम इंद्रम अमलम इत्यर्थम न्यारुद्धम न्यवारयत। क्या कह रहे हैं कि श्री ठाकुर जी रवशेन हर्षेन आनंद से, रवशेन आनंदीन हर्षेन आनंद से हर्ष के साथ, यानी कोई दुख नहीं है कोई कष्ट नहीं है, ऐसे हो करके प्रथम अति गुरुम, अति गुरु यानी बहुत भारी, जो गोवर्धन गिरिम जो गोवर्धन पर्वत है विशाल, उदस्य उद्धृत उस गोवर्धन पर्वत को भगवान आपने धारण किया, धारण करते हुए अमंद मद मंडलिर उत्कटो पर्व वृंदे अखंडम, यानी भगवान आपने उस पर्वत को धारण करते हुए जो इंद्र हैं, ऐसे इंद्र को, इंद्र की जो मद रूपी गर्भ हैं, उस गर्भ रूपी पर्वत को आपने खंडन कर दिया, यानी इंद्र की जो गर्व था अभिमान था कि मैं ही इंद्र हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ,
मैं ही देने वाला हूँ, मेरे से बड़ा कोई देवता नहीं है। ये जितने भी इसकी मद और गर्व था वो सब भगवान आपने क्या किया, खंड कर दिया। पूर्ण माखंडलम इंद्रम अमलम इत्यर्थम न्यारुद्धम न्यवरायत। अर्थात इंद्र रूपी जो प्रबल अभिमानी गर्व से भरे हुए ऐसे इंद्र की गर्व को भी भगवान आपने खर्ब किया है। विस्तारेण उत्तचरितम आह। अब विस्तार से उनके चरित्र को यहाँ पे कह रहे हैं। हेतु इति हेतुबाद जलमितु ब्रजबाष्पाबाध्रु मर्दने इत्यादि कह करके कह रहे हैं कि विस्तारेण तच्चरितम आह। अब विस्तार से श्री भगवान की वह जो चरित्र है उस चरित्र का वर्णन कर रहे विस्तार से। हे माधव पक्षे बसंत। हे माधव, हे ठाकुर जी, हे पुरुषोत्तमा, मम लोल बुद्धि श्रीमुखी चपोलो चपोलोधी भ्रमरी तई शम्मुखी वर्तत्यम इति उत्तरेण अन्वया। कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरा जो लूल बुद्धि श्रीमुखी, यानी मेरे बुद्धि कैसे तो चपल बुद्धि है, चंचल मेरा चित्त है, मेरा बुद्धि भी चपल है, चंचल है, तो ये भ्रमर के भांति है, भौरा जैसे बहुत चंचल होते हैं, घूमते रहते हैं, बहुत तेज भागते हैं, तो मेरा भी मन चंचल है, इस पुष्प से उस पुष्प, उस पुष्प से अलग पुष्प, ऐसे भ्रमर तो घूमते रहते हैं, तो मेरा चित्त जो है भ्रमर के जैसा चंचल है। तो यहाँ जो चंचल चित्त हैं प्रभु, आपसे यही निवेदन है कि वह चित्त त्वयि सन्मुखी, त्वयि आपके सन्मुखी यानी आपके सन्मुख होकर के वर्तम, यानी सन्मुख होकर के विराजमान रहे, यानी आपके सन्मुख ही घूमे फिरे, बाहर कहीं ना जाए, कहीं बाहर अपना मन ना लगे, किसी दूसरे विषय में ना लगे, वो आप में ही लगे प्रभु, और दूसरा कोई विषय में ना लगे, आपके सन्मुख में ही रह करके नृत्य करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, खेलते रहे, इस प्रकार भाव। शक्रुवत तद वैमुखस्य वैमुख्य वैमुख्यम अस्य विनाशेति भाव। कि श्री भगवान आप भी एक काम कीजिए, जैसे आपने इंद्र को, आपके जो विमुख जो इंद्र हैं उनको आपने क्या किया था, विनाश किया था, यानी उनकी अभिमान गर्व को आपने दूर कर लिया था, तो भगवान आप मेरा भी यहाँ जो चंचलता है, जो मेरा अभिमान है कि मैं हूँ, तो यहाँ मेरा अभिमान को प्रभु नष्ट कर दीजिए। मधु कर मधु को मधु व्रत श्रीमुखी भ्रमरो भृंग पुष्पल्यो इति हलायु। ये तो शब्द के लिए कहा गया है कि समार्थक शब्द मधुकर मधुप मधुप्रतो श्रीमुखा भ्रमर भृंगो पुष्पल्यो सब भौरा के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, अलग अलग समार्थक शब्द है। तो ये कीदृशित्या हो कि तो ही आप कैसे हैं, इसको कहते हुए कह रहे हैं हेतुबादात। हेतुबाद से जातु जो जल पितु ब्रजबाक सुमोहिनो। हेतुपाद से उत्पन्न की गई, हेतुवाद के द्वारा कही गई जो वाक्य समूह हैं उसके द्वारा बाशवस्य यानी इंद्रस्य इंद्र के यज्ञम अध्वरम इत्युक्ते यज्ञम जो यज्ञ है उस यज्ञ को मर्दयति तस्मिन। आपने उस यज्ञ का मर्दन कर दिया प्रभु, इनके तो इंद्र का। कारी कारीरी पुत्रश्च
ज्योतिषमादि कर्मणि अन्वय व्यातिरिकाभ्यम फलप्रदम प्रतितम देवता। फलप्रतितम, अब कह रहे हैं कि जे कारीरी पुत्रष्टि ज्योतिषम आदि इत्यादि जो यज्ञ आदि है, जो कर्म है, उस यज्ञ कर्म का कर्मैव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम फलप्रदम, वो कर्म अन्वय व्यतिरेक से फलप्रद फल प्रदान करते हैं। अन्वय व्यतिरेकम का फलप्रदम का तत्पर्य क्या है कि कर्म तो अन्वय है, काल भी हमने समझा अन्वय व्यतिरेक क्या कि घड़ा है और मिट्टी है, तो घड़ा अन्वय है और मिट्टी व्यतिरेक है, अर्थात मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, तो घड़ा नहीं है उस स्थिति में मिट्टी मिट्टी ही रहता है, परंतु जब घड़ा से मिट्टी बनाए जाते हैं उस स्थिति में भी घड़ा में मिट्टी रहता है, तो उस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक का विचार किया जाता है। तो यहाँ पे करें कर्मणाम का व्यतिरेक अभ्यास, तो कर्म हो गया अन्वय और व्यतिरेक क्या है तो देवता। तो मीमांसा शास्त्र के अनुसार जिन देवताओं के उद्देश्य में हम कर्म करेंगे उस देवता हमें उस फल प्रदान करेगा, यानी जिस उद्देश्य से हम करेंगे उनके पूजन करेंगे उनके अधिकार क्षेत्र में अगर है तो वो देवता वहाँ फल आपको प्रदान करेंगे, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो नहीं दे सकते। तो अपना अधिकार क्षेत्र सभी देवताओं के अलग है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि देवता कितने हैं, तो सीधे सीधे आजकल फेसबुक और रील्स के जमाने हैं, यूट्यूब गूगल चल रहा है, तो कोई कुछ भी लिख देते हैं तो लोग उसी को सत्य मान लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं कि ना तो गले में स्वाभाविक साधारण नियम पालन नहीं करते, ना तुलसी माला पहनेंगे, ना कंठी में माला पहनेंगे तुलसी का, ना तिलक लगाएंगे, ना शिखा रखेंगे और बैठ करके बड़े बड़े ज्ञान झाड़ते हैं, क्योंकि कलयुग है भाई, कोई भी अपना लगाए मोबाइल और चालू हो गए। परंतु ये कोई विद्वा ऐसे नहीं प्राप्त हो जाता है, सालों सालों की मेहनत लगते हैं और उसके बाद उसमें तपस्या भी है, भजन साधन, उसके बाद जा करके ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति करना इतनी कोई आसान बात नहीं कि दो पुस्तक उठा लिया और हम ज्ञानी हो गए। बात आता है कि देवता कितने हैं, तो लोग सब सीधे सीधे पूछोगे तो कहेंगे भाई 33 देवता हैं। देवता कितने हैं बोले 33 करोड़ है, तो कहते कि 33 करोड़ कैसे हो सकता है, 33 करोड़ मतलब को संख्या है, 33 कोटि हैं, तो कोटि मतलब प्रकार, तो 33 प्रकार के देवता है, बाकी 33 नहीं है, 33 करोड़ देवता नहीं है, तो कोटि मतलब प्रकार के देवता है, 33 प्रकार के देवता होता है। पर इस विषय में फिर क्या प्रमाण है, तो शास्त्र कहते हैं कि कोई भी पुण्य कार्य करते हैं तो देवलोक में जाकर के वो देवता बन जाता है, परंतु देवता बनने के बाद क्या होता है, क्षीण पुण्य मर्तलोके विशंति, वो इंद्र पद में बैठ सकता है। राजा नहुष इत्यादि ने जाकर के इंद्र पद में बैठे थे कि नहीं, प्रमाण है शास्त्र में, तो बैठे इंद्र नहीं थे तो उसको इंद्र बना दिया। तो मनुष्य लोक से भी कोई जाते हैं तो पद खाली है तो उसको देवता बना देते हैं। अब देवताओं के भी संतान है, पुत्र आदि होते रहते हैं, तो देवताओं के पुत्र देवता ही होते हैं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा संतान, तो उसमें आता है कि ब्रह्मा आदि लेकर के, ब्रह्मा गणेश आदि लेकर के 33 करोड़ देवता, उसका प्रमाण गोपाल भट्ट गोस्वामी ने संस्कार दीपिका में लिखा हुआ है। अब कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार भी होता है, संख्या भी होता है, दोनों अर्थ है। अब यजुर्वेद आदि में, अन्य अन्य वेद में अलग अलग देवताओं को कहा गया कि जो 33 प्रकार की देवता हैं उन 33 प्रकार के देवताओं के अधीन में और भी देवता रहते हैं, तो अग्नि देवता है उनके अधीन में इतने हजार देवता है, वायु देवता है उनके अधीन में इतने हजार देवता है, ऐसे करके उसका विभाजन वेद में किया गया है। तो इतने डीपली किसी को पता नहीं होता है क्योंकि इतने अध्ययन तो किए नहीं है, तो इसलिए ऊपर ऊपर की बात कहते हैं। तो कहते कि 33 प्रकार देवता तो हैं परंतु उनके अधीनस्थ होकर के अनंत देवता है। तो देवता कितने हैं, तो कहते देवता अनंत है, देवता की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि वो संख्या घटता भी है बढ़ता भी है। तो जो 33 कोटि की बात है वो अनंत वाचक शब्द है। कैसे वाचक शब्द हैं,
अनंतवाचक, जिसे कहते हैं कि कोटि चंद्रमा के समान आपके मुखारविंद की शोभा है, तो उस स्थिति में उसको क्या माना जाता है? अनंतवाचक माना जाता है। तो अनंतवाचक शब्द है, जब कोटि को कहते हैं इतने कोटि इतने करोड़, तो उसको अनंतवाचक मानते हैं संस्कृत में। तो देवताओं के अधीनस्थ होकर के इतने करोड़ देवता हैं, तो कोई भी देवता पुण्य किया, वो देवलोक को प्राप्ति, उसको देवत्व पद मिला, तो देवता की संख्या बढ़ गया। अब उसकी पुण्य खत्म हो गया, फिर उसको जन्म हो गया, तो देवता की संख्या घटा कि नहीं घटा? तो देवताओं की संख्या में तो बढ़ना घटना होते रहता है। अलग अलग कार्य दिए हुए मंत्री मिनिस्टर जैसे इसमें बनते हैं, उसमें भी अलग अलग बदलाव होता है। इसको ये अधिकार मिले हुए, इसको ये अधिकार मिले हुए हैं। तो देवता की संख्या अगणित है, मूल मूल रूप से सर्व देवताभ्य नमः कहा जाता है। इसलिए सभी देवताओं को नमन ये नहीं कहा जाता है कि 33 करोड़ देवताभ्य नमः, ये नहीं कह रहे हैं। क्या कहा कि सर्व देवताभ्य नमः, क्योंकि देवता कितने? अनंत है, देवा अनंत ऐसे शब्द है। तो जान लीजिए कि 33 करोड़, जब 33 कोटि देवता कहा जाए, उसका तात्पर्य ये नहीं कि 33 प्रकार के ही देवता है। 33 करोड़ प्रकार का देवता की संख्या अनंत है। आप भी देवता बन सकते अगर आपकी कार्य अच्छा रहे, आपने बहुत बड़ा पुण्य किया, तो आप सीधे स्वर्ग जाएंगे, आपको देवत्व पद मिल जाएगा, तो आपको भी देवता कहा जाएगा। और आपके पास में भी कुछ क्षमताएं होंगे, आपको दिया जाएगा, आप बहुत कुछ कर सकते, तो अधिकार क्षेत्र पे अधिकार मिल जाता। तो जिनको जो पद मिला हुआ है, अब जल मंत्री तो भाई बिजली डिपार्टमेंट में जाकर के कुछ कर नहीं सकता। जो जल मंत्री हो, जल मंत्री का कार्य है। जो बिजली विभाग में है, बिजली मंत्री हो, बिजली विभाग में है। जिनको जो रास्ते के मंत्री है, रोड वगैरह निर्माण करना, उनके अलग है, सबकी अलग अलग। तो मीमांसा शास्त्र में आता है कि जो जो देवताओं की आप उपासना करेंगे, जिनके उद्देश्य में हवन करेंगे, वह देवता आपको फल प्रदान करेगा, कर्म करना पड़ेगा हमें। तो कह रहे कि फलप्रदम प्रतितम देवता, तो फल देने वाला कौन होते? देवता होते हैं। तो देवताओं को बिना वो कर्म सक्सेसफुल नहीं होगा, कर्म करना होगा अन्वय, तो वो देवताओं के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि उनके व्यतिरेक वो नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि त्यजादिवत कर्मांगम नहीं, अगर देवताओं त्यजादिवत, अगर देवताओं का त्याग करते करके कर्म का अंग करते हैं, मानी कर्म करते हैं, हवन कर रहे हैं, परंतु देवताओं का आह्वान अपने नहीं किया, देवताओं को बिना कर रहे हैं, किसी को बिना बोला हुआ है, तो वो कर्मणा जो कर्म है, कर्मांगम नहीं, कर्मणा बिना सफलम दत्तेता, वो कर्म का अंग करने पर भी वो सक्सेसफुल नहीं होता है। बोले कर्मणा बिना सफलम दत्त, बिना सा फलम दत्ती, नहीं कर्मणा बिना सा फलम दत्ती। तो कह रहे कि भाई देखो, आप कर्म करोगे परंतु उसमें देवता को नहीं आह्वान करोगे, तो उसके बिना आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि देवता व्यतिरेक है, उसके बिना वो होगा ही नहीं। तो आपको देवताओं का आह्वान करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि नहीं, देवताओं का आह्वान मैं कर लूंगा पर मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तब भी यहाँ पे आपको फल नहीं मिलेगा, यानी अन्वय व्यतिरेक से आपको ये कार्य करना पड़ेगा, यानी देवताओं को आपको अवश्य बुलाना पड़ेगा। इस प्रकार से कह रहे कि कर्म के बिना वो कभी भी देवता फल नहीं देते, आप कर्म करोगे तभी देवता आपको फल प्रदान करेगा, बिना कर्म से कोई फल नहीं देने वाला। भागवत जी में भी स्पष्ट द्वितीय स्कंध में कहा गया कि आपको अगर विद्या चाहिए तो शिव जी की उपासना करो, सुंदर स्त्री चाहिए तो आपके उर्वशी की उपासना करो, अगर आपको नृत्य कला इत्यादि जानना है अधिक तो गांधर्व विद्या को जानो, अच्छे गाना चाहते हो तो, अगर धन चाहते हो तो कुबेर की उपासना करो, ऐसे अलग अलग उपासना कहा गया, अलग अलग कामना के लिए अलग अलग देवता की उपासना। तो कह रहे हैं प्राणी कर्मानुगुण्यन प्रवृत्ता प्रकृतिश्चलेन रजसा सकार भूतम मेघमालम प्रवृत्ति सा बारी वर्षति चंद्रश हिम वर्षित्वात् मेघस्य अम्ब वर्षितम स्वभाव एवति किम इंद्रेण इति शुष्क तर्कोत्थावनम हेतुवादः। तो भगवान ने कहा, क्या बोला कि देखिए, प्राणी का जन्म होता है तो प्राणी के कर्म अनुगुण्य न प्रवृत्ता, कर्म प्राणी कर्म अनुगुण्य से प्रवृत्त होकर के, प्रकृति का स्वाभाविक नियम है कि
वहाँ रजगुण में जो प्रकृति है वो रजगुण में प्रविष्ट हो करके अपना कार्य करते हैं, अपने आप स्वाभाविक कार्य है। बोले मेघमाला प्रवार देती, वो तो अपने आप मेघमाला को प्रवर्तन कर देते हैं, सा बारिष्यति और वही बाद में वर्षा करते हैं। बोले चंद्र से हिम वर्षित्व, जैसे चंद्र का हिम वर्षण होता है, यानी चंद्रमा में जैसे स्वाभाविक उज्ज्वलता प्रदान करते हैं स्वाभाविक रूप से, उसी प्रकार से मेघस्य अम्ब वर्षितम स्वभाव। अरे भाई चंद्रमा का उदय हुआ तो चंद्रमा शीतलता प्रदान नहीं करेंगे, चंद्रमा अपना ज्योत्सना रश्मि नहीं देंगे, अवश्य देंगे कि सूर्य प्रकट होने पर सूर्य की रश्मि प्रकट नहीं होगा, होगा क्योंकि वो स्वाभाविक कर्म है। तो प्राणी कर्मानुगुण्यन प्रवृत्ता प्रकृतश्चलेनो, जो प्रकृति है उसमें रजगुण में प्रविष्ट होकर के स्वाभाविक रूप से ये क्रम बना हुआ है पहले से, वो नहीं भी करोगे तब भी वो होगा, ये प्रकृति की स्वभाव है। तो कह रहे कि जैसे हिम वर्ष चंद्र से हिम वर्षित्वात्, उसी प्रकार से मेघस्य अम्ब वर्षित्वात्, मेघ है तो बरसात तो होना ही है क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तुम चाहे किसी के पूजन करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको करना है करेगा वो, क्योंकि वो स्वाभाविक हो रहा है। स्वभावती ये तो स्वभाव है। किम इंद्रेण इति, उसमें इंद्र ने क्या किया, इसमें इंद्र का कहा हाथ है कि वर्षा होगा तो इंद्र के पूजन करने पर होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो प्रकृति की स्वाभाविक रीति नियम है। शुष्क तर्क उत्थापनम हेतुवाद, इस प्रकार के शुष्क तर्क का उत्थापन भगवान ने किया। हेतुवाद जिसको हम कहते हैं न्याय के दर्शन में, न्याय दर्शन में जो हेतुवाद कहा जाता है, जब बहुत तीव्र तर्क दिया जाता है ना, तर्क अप्रतिष्ठित, तर्क को कभी प्रतिष्ठित नहीं होता है। आप कुछ तर्क दोगे तो सामने वाला कुछ और तर्क दे देंगे, इसलिए कहते हैं तर्क को अप्रतिष्ठा, तर्क प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, पर कई बार प्रतिष्ठा करना पड़ता है, उसका खंडन फिर दोबारा कोई कर भी सकते हैं। भगवान ने अपना क्या किया, उन्होंने हेतुवाद यानी जो शुष्क तर्क हैं उसका उत्थापन करते हुए इन्होंने इस प्रकार से कहा। तेन परम मतेन, तो भगवान अपने श्रेष्ठ जो मत है उस मत का स्थापना करते हुए स्व अभिष्ठम, स्व अपने जो अभिष्ट हैं, इंद्र से अनादारम आपाद्य, इंद्र का जो यज्ञ पूजा था उसका अनादर करते हुए अपने जो अभिष्ट था वह अभिष्ट भगवान ने सिद्ध कर लिया। भगवान ने यह समझाया कि इंद्र का अनादर करते हुए भी अगर आप वैदिकम विप्रादि पूजनम प्रवर्तितवान विशिष्टि, कि अगर अब गोवर्धन आदि का पूजा करते हैं तो उससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगा। तो इसने कहा वैदिकम विप्रादि पूजनम, जो गो है ब्राह्मण है इन सभी की पूजन करने पर सब कुछ जो है अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे कि भगवान आपने क्या किया, अपने मन की वासना है अभिष्ट हैं तो वो पूर्ण करने के लिए इंद्र का अनादर करते हुए गो ब्राह्मण आदि पूजन का विधान आपने कर दिया, इसको करना चाहिए, इंद्र की पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। भूसुरत कराणम विप्रगणानम गवाम महीधरस्य च भक्तस भक्त वर्यस्य गोवर्धन गृह पूजनोत्सव वर्धयति तस्मिन्। तो कहने लगे कि जो भूसुरत कराणम अर्थात विप्रगणानम, जो विप्र है ब्राह्मण गण है, गवाम है गाय है, महीधरस्य च अर्थात भक्त में श्रेष्ठ जो गोवर्धन है उस गोवर्धन गिरी का पूजान पूजा उत्सव करने पर वर्धयति तस्मिन्, अर्थात उस पूजा करने पर क्या हो जाएगा, आपकी अभिष्ट सिद्धि हो जाएगा, अभिष्ट सिद्धि हो जाएगा। वर्धयति तस्मिन्, आपने भगवान उनकी पूजा उत्सव का वर्धन किया। पर्वतार्चनस्य, पर्वतार्चनस्य यानी पर्वत का जो अर्चन है, संपद अर्जन हेतुत्तम बोधयति तस्मिन्, अर्थात आपने भगवान समझा दिया कि हेतुवाद के माध्यम से कि गोवर्धन की अर्चना करने से सभी संपत्ति का अर्जन हो जाएगा, यानी सभी अभिष्ट आपकी मनरथ
सिद्धि हो जाएंगे। हेतु तुम बुधायती, भगवान आपने तर्क के द्वारा इस विषय को उन गोपियों को, गोपगण को, नंद बाबा आदि को सबको समझा दिया और वे मान भी गए। यदुक्तम, जो भागवत में भी कहा गया, तस्मान गवम ब्राह्मणानम अदृश्चारत्यतामख चारभ्यतामख या इंद्रजाग संभार स्तैर्यम सागतमखो हूयतामग्निहो सम्यक् ब्राह्मणेह ब्रह्मवादिभि अन्नं बहुगुणं दिव्य देयं वो धेनु दक्षिणा अन्यभ्यश्चाष्ट चांडालो पतिते भ्यूयतार्हतो येव शमचा कपं दत्त्वा गिरयी दीयतां बलि इति। अब भागवत जी में भी इस प्रसंग का उल्लेख है, उसका प्रमाण देकर के बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं और यही वाक्यों को आगे बढ़ाया हुआ है कि किस प्रकार से गोवर्धन की पूजा किया गया। तस्माद् गवाम ब्राह्मणाम अदृश्चारभ्यतम मखो, तो इंद्र की युग को परित्याग करते हुए गो ब्राह्मण और गिरि गोवर्धन की पूजा किया गया है। तो इंद्र के लिए जाग के लिए जो भी संभार आयोजन की गई थी उन वस्तु से इंद्र का पूजन न करके इनकी पूजा किया गया। हूतावग्रहो सम्यक् ब्राह्मणेर ब्रह्मवाद भी अन्नम भोगनम तिव्यदेयम बुधिन दक्षिणा। फिर गोवर्धन की सम्यक्तया अग्नि आदि से पूजन करा गया और ब्राह्मण आदि को भाई बहुत दक्षिणा आदि दिया गया और अन्यभिष्ट चंडाला पतितित्व यथारहु, तो उन दूसरे दूसरे लोगों ने भी भगवान की पूजन किया और उन्होंने भी फिर गोवर्धन को जो भी द्रव्य आदि पायस खीर फल इत्यादि सब जो है समर्पण कर दिया। तब आगे कह रहे हैं, इसी को वर्णना कर रहे हैं कि गिरी रेव त्रिणोदकादिभिर्गाः पालयति जाभ्यो अस्माकं जीविकेभ्यो जीविकेत्योभिध्यायिनित्यर्थो। तो जो गिरी गोवर्धन है, गिरी है, वही हमें तृण जल आदि देते हैं और उससे ही हमारे पालना होता है। पालयति, वही गिरि गोवर्धन है, वही हमें तृणों जल आदि देकर के हमारे गौ का पालन करते हैं। जाभ्य अस्माकम जीविके जीविक जीविका इति, उनसे ही हमारे जीविका चलते हैं। इनसे गौ से, तो गौ का पालन किससे होता है? गोवर्धन के द्वारा। तो इसलिए वही हमारे अभिधायिनी हैं, अर्थात वही हमारे प्राण देने वाला है, इसलिए गोवर्धन ही हमारे पूज्य हैं। भूषुरादि पूजोत्सवायो कल्पिता निष्पदिता अतुला शूप संकुला शंकुलादेजे न तस्मिन्। और उसके पश्चात में गोवर्धन की पूजा के उत्सव करते हुए जो है गो ब्राह्मण का पूजा करते हुए अतुल सूप गोपियों को समझा करके जो सूप है, सूप यानी जो दाल जिसको हम कहते हैं सूप, शंकुला शंकुला देहो, शंकुला का तात्पर्य तो होता है कि जो पोहा जिसको हम कहते हैं पोहा, तो शंकुला शब्द में पोहा को कहा गया है। तो ये पोहा आदि सभी जो है ले करके गोवर्धन को अर्पण किया गया। शाल्यन्नादिनम उपलक्षणम एतद् बंदन मरुण चूर्णम। तो शाल्यान्न आदि नाम का तात्पर्य होता है कि जिसको हम खोई बोलते हैं, यानी चावल को सीधे सीधे चावल जो है उसको बनाया जाता है रेत में, तो उसको खई बोलते हैं बंगला में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो उसके द्वारा जो है फिर मोदक बनाया जाता है चूर्ण करके, गुड़ उसमें मिश्रित करके हुए, तो उसको फिर मोदक बनाया जाता है। तो वो जो बंदन मरुण चूर्ण है तो थोड़ा सा बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, अरुणम चूर्ण मतलब थोड़ा लाल लाल होता है ना, यदि गुड़ मिश्रित होता है अलग एक शोभा होता है। तो वहाँ से बने हुए जो मोदक हैं, वहाँ मोदक लोग जो हैं लेकर के गिरिराज जी को अर्पण किया गया। गोप मंडल है,
गोप मंडलही कल्पितम अचलस्य गीर्य शाननम कंदरांच शोधनम मार्जनम। अब बहुत सारा द्रव्य लेके गए, अलग अलग प्रकार की, कितना वर्णना करें। आदि शब्द में इन्होंने कह दिया कि और भी बहुत सारा द्रव्य है, खीर इत्यादि सब लेकर के, चावल इत्यादि जो भी बना है। गोवर्धन पूजा में तो होते ही ऐसे, जितना लो भाई दो कोई बात नहीं, गिरिराज जी तो सब ग्रहण कर लेते हैं। तो एक प्रसंग आता है यहाँ पे कि गोवर्धन पूजा हो रहा है, तो गर्ग संहिता में वर्णन है कि गोवर्धन पूजा में जो है मांस आदि की स्तूप से भरे हुए द्रव्य को दिया गया। तो कई लोगों का उसमें शंका आता है कि गोवर्धन पूजा किया गया और उसमें सीधे सीधे शब्द में लिखा हुआ है, मांस शब्द का प्रयोग किया हुआ है कि मांस का अर्पण किया गया। तो कई लोग शंका करते हैं या जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसमें आरोप लगाते हैं कि मांस प्रदान किया गया। तो देखो मांस शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे शास्त्र में हमारे यहाँ पे संस्कृत में मांस शब्द का अर्थ होते हैं जो फल की गुदा जिसको कहते हैं उसको मांस शब्द से कहा जाता है। जैसे अंगूर है तो उसमें बीज को हमने निकाल दिया, बाकी अंशों को हम क्या कहेंगे, तो उसको मांस ही कहा जाएगा। तो फल की जितने भी आस्तरण होता है जिसको हिंदी में गुदा कहते हैं, वो सभी जो है क्या है, सब मांस शब्द से कहा जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जो फल है गर्ग संहिता में उल्लेख है, क्योंकि भागवत जी में इस प्रसंग नहीं है पर गर्ग संहिता में है। तो गर्ग संहिता में कहते हैं कि जो फल था उन सभी फल से बीज को निकाल करके फिर उसकी आस्तरण को, मैंने जितने बाकी अंश है उसको कटोरी में भर भर करके गोवर्धन के लिए रखा गया था, तो उसको मांस शब्द के द्वारा प्रयोग किया है। क्योंकि संस्कृत में मांस शब्द छोड़कर कोई दूसरा शब्द नहीं है उसके लिए, उसी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जो जीव का भी अंग का अंश होगा तो उसको भी मांस कहा जाएगा, फल की भी अंश होगा तो उसको भी मांस शब्द से कहा जाता है। तो वहाँ पे फल की जो आस्तरण थे वो सभी जो है उसको मांस शब्द से कहा गया है। तो फल को भोग लगाया गया, तो नाना प्रकार के फल हैं, वो फल विभिन्न द्रव्य आदि लेकर के भर भर के गए और कहने लगे कि सब सजा करके लेके गए। और उसके पश्चात में सजाने के बाद गोप मंडले ही कल्पितम अचलस्य गिरे शारणम कंदरम सुधरम मार्जनम। तो बाकी जो गोवर्धन के, जो गोवर्धन के आसपास में सभी ब्रजवासी आकर के, यानी शिव ठाकुर जी के जो गोप मंडले आदि हैं, उन्होंने क्या किया, जो गिरिराज गोवर्धन है उनकी कंदरम कंदरम गुफाम उसका शोधन किया, जितने गुफा आती है उनको बड़ा साफ सुथरा किया, परिष्कार किया, परिच्छन्न कर दिया। उद्भटो महानारभो शब्दो यत्र तादृशो भूधर उत्सवे संजिता शक्ति निताखिल बंधुतम सर्वज्ञाति सुमो येना दशमे। तो कह रहे शानुनाम कंदरनम च, शानुनाम का तात्पर्य होता है जो नीचे की अंश है गोवर्धन के, गिरिराज के तलहाटी जो, तो वो गिरिराज के सब नीचे से लेकर के ऊपर तक जो गुफा का अंदर इत्यादि उसको सब परिष्कार किया, साफ सफाई कर दी, मार्जना किया। उसके पश्चात में उद्भट महान आरभ, उद्भट यानी विकट शब्द, महान महाशब्द, जय हो का शब्द है, गिरिराज गोवर्धन की जय हो ऐसे सब जय जय कर लगाने लगे। और ऐसे जय जय करा लगाते हुए शब्द यत्र तादृश इस प्रकार शब्द करते हुए भूधरण से गोवर्धन की पूजा के उत्सव में संजिता शक्तिम नीता अखिलो बंधुत्तम सर्वज्ञाति सुमो येन तस्मिन, अपने अपने जो बंधु बांधव आदि हैं उन सभी के साथ में विराजमान होकर के उन गोवर्धन की पूजा सब करने लगे। तस्व पर्वतस्व यहाँ परिक्रमा पूजन क्रमश्च तत्र त्रयोभिः संभ्रम बहुतरा जिन संभ्रमते व्याप्तः। तो उसके पश्चात में गोवर्धन की पूजा हुआ, उसके पश्चात में उस पर्वत का परिक्रमा सभी करने लगे। परिक्रमा पूजन क्रमश्च यानी पूजन आदि करने के बाद क्रम से सभी ने मिलकर के गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा किया।
तत्र तत्र जो भूरी भूरी संभ्रम बहुतर आदि संतुलित व्याप्ति, और वहाँ उस समय में इन्होंने जो बहुत बहुत जो द्रव्य आदि सब कुछ रखे हुए थे, तो उन सभी वस्तु को उन्होंने व्याप्त करके रखे हुए थे चारों ओर से सब, तो उन वस्तु को भगवान के उद्देश्य में उन्होंने अर्पण किया। और जैसे ही उन्होंने इस प्रकार किया तो श्री ठाकुर जी स्वयं उस समय में तक्षणात गोवर्धन के स्वरूप में प्रकट हुए, स्वयं गोवर्धन है। तो क्षाधरोप में न गिरितुल्य न विघ्रत्व में न भुक्तानि, तो तक्षणात जब वो सभी परिक्रमा लगा रहे थे और इन्होंने क्या करते, जितने भी जो वस्तु था द्रव्य था सब कुछ जो है इन्होंने वहाँ पे व्यक्त करके रखे हुए थे, तो ये तो सब प्रदक्षिणा कर्म व्यस्त कर रहे थे। तो भगवान उस समय में पर्वत तुल्य देह को धारण करते हुए, यानी स्वयं ही गिरिराज स्वरूप धारण करते हुए, भुक्तानि विस्प्रांति ओदनानि जनः, तो सभी जितने ओदन आदि थे यानी जितने भी द्रव्य आदि था उन सभी द्रव्य को भगवान ने भोजन कर लिया, भगवान आनंद से उन सभी वस्तु का ग्रहण किया। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। तो यदुक्तम जो कह रहा है, कृष्णस्तु अन्यतमम रूपम गोप विश्रम्भणम तथा शैल स्मृति वदन भूरी बलिमादद बहुत बहु ब्रिपु इत्यादि, अर्थात भागवत जी में भी इस बात को कहा गया है कि श्री भगवान के अनेक रूप में गोवर्धन स्वरूप भी भगवान के एक अनन्य रूप है, वो स्वयं गिरिराज जो है वो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, स्वयं कृष्णचंद्र ही गिरिराज गोवर्धन है। शैल स्मृति वदन, मैं ही क्या हूँ, तो शैल हूँ मैं ही, गोवर्धन पर्वत हो, दूसरा कोई भी नहीं है। इसीलिए गोवर्धन साक्षात भगवान स्वदृश्य, तो उनकी पूजा किया जाता है जो उनके शैल स्वरूप है, जैसे नारायण शिला है उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन की शिला है। तो गिरिराज गोवर्धन की शिला में सबको पूजा करने की अधिकार है, परंतु उसमें एक विशेष बात है कि ब्रज से बाहर गिरिराज को नहीं ले जाना चाहिए। आजकल सब ले जाते सेवा के लिए कि चलो हम ले जाते, कोई इधर ले जा रहे, कोई उधर लेके जा रहे हैं कि भाई हम ले जाएंगे, कोई विदेश ले जा रहे हैं, तो गिरिराज गोवर्धन को ब्रज के बाहर नहीं ले जाना है, गोवर्धन को सदा सदा जो है ब्रज में ही रखना चाहिए। अगर सेवा करने की अभिलाषा है तो भाई खुद दूसरे जगह में मत ले जाओ, खुद वृंदावन में शिफ्ट हो जाओ कि चलो कम से कम मैं 84 क्रोश के अंदर आ जाओ और फिर मैं यहाँ पे बैठ कर की सेवा करूँ। गिरिराज महिमा महात्म्य में फिर गोवर्धन शतकम में इस बात को कहा गया कि अगर किसी के मन में इतनी अभिलाषा है तो वो गिरिराज तलहटी में निवास करके गिरिराज गोवर्धन की सेवा करे, परंतु ब्रज से उनको बाहर ना ला जाए, क्योंकि वह ठीक बात नहीं है। तो गिरिराज गोवर्धन की साक्षात स्वयं भगवान है, तो भगवत स्वदृश मान करके ही उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, उनमें सभी का अधिकार है। जैसे नारायण शिला में स्त्री पुरुष सभी का अधिकार है, क्योंकि कई स्मार्त कहते हैं कि स्त्रियों का शूद्र का नारायण शिला में पूजा में अधिकार नहीं है, परंतु हमारे श्री सनातन गोस्वामी पाद ने इस सिद्धांत को नहीं कहा, नहीं माना, उन्होंने प्रमाण दिया है शास्त्र से। हरिभक्ति विलास खोल करके थोड़ा देख लीजिए क्या सिद्धांत है, कहते हैं कि जो वैष्णव हो चुके हैं उनके लिए कोई निषिद्ध नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि जो वैष्णव होकर के मेरी पूजा ना करते हैं उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाता है। तो उसमें कोई स्त्री शूद्र हो चाहे कोई भी हो, अगर वह वैष्णव धर्म का आश्रय ग्रहण किया है तो उनको पूजा में कोई भी बाधा बिल्कुल नहीं है, परंतु अगर वैष्णव नहीं है तो फिर उसको मानना पड़ेगा, फिर अब उनको स्त्री और शूद्र आदि जो हैं होंगे, मतलब शूद्र का तात्पर्य यहाँ पे जो सदाचारी नहीं है, अनाचार दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं, तो वो नहीं कर सकते फिर।
परंतु जो वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए और वैष्णव आचार को कर रहे हैं वो कर सकते, उनके लिए कोई निषिद्धता नहीं है। यह आचार्यों का सिद्धांत है, गौड़ संप्रदाय के वैष्णव आचार्यों का सिद्धांत है। और जो नहीं करना चाहिए ऐसे कहते वो भिन्न है, स्मार्त के लिए है, जो वैष्णव धर्म से आश्रय नहीं किया उनके लिए वो सिद्धांत है। इत्यादि मंगलाकरा कल्याण खण्यो विस्फुरंत्यश च अतु बरहा सृष्ट जे वृंदभूता वल्लवा स्थान मोदयति तस्मिन्। तो भगवान आपने क्या किया कि भगवान आपके मंगल चाहने वाले हैं, मंगलाकाक्षी कल्याण खनयो विस्फुरंत्यश्च अतु बरहा सृष्ट, अर्थात कल्याण का खनि स्वदृश जो ब्रज गोपियां हैं भी आपको देखे दर्शन की, और वहाँ जो श्रेष्ठ बल्लभी गोपगण हैं उनको आपने क्या किया, आनंद प्रदान किया। मोदयति तस्मिन्, कैसे आनंद प्रदान किया, तो कि भगवान आपने उन भोजन करते हुए उन सभी द्रव्य का आपने स्वयं ग्रहण किया और गिरिराज स्वरूप होकर के भगवान ने सभी को दर्शन दिया, और वह दर्शन दे करके सभी गोप को आपने भगवान आनंदित कर दिया। रुष्टेन वासवेन कृतया वृष्ट्या यहा संप्लबु मज्जनम दीनो खिन्नम। जो रुष्ट जो इंद्र है उसके द्वारा वृष्ट्या यहा संप्लबु मज्जनम, उसने क्या किया, बरसात किया और पूरी वृंदावन को क्या किया, मज्जनम तीन खिन्नम जद गुकुलम तीन विष्टिते, उसने खूब बरसात किया और पूरे वृंदावन को ही डुबो दिया। यद्यपि यहाँ पे यद गोकुलम गोकुल शब्द का प्रयोग है, तो कह रहे हैं कि पूरे वृंदावन को उन्होंने क्या कर दिया, एकदम वर्षा से व्याप्त कर दिया, जल से भर दिया। इंद्र त्रासु संकुलस्य बंधुमंडलस्य शर्मद अद्भुतम चेष्टितम जिषतस्मिन्। तो भगवान आपने क्या किया, इंद्र की जो त्रास है जो भय है, जब इंद्र बरसात किए तो सब गोप गोपिया डर गए, भय होने लगे कि भाई क्या होगा क्या होगा, संकुलित हो गए सब डर गए, ऐसे आपने बंधु मंडल की जो डर है उसको शर्मद उसको नाश करते हुए अद्भुतम तम चेष्टितम अद्भुत क्रीड़ा भगवान आपने ये अद्भुत विक्रम आपने प्रकाश किया। तादृक चेष्टितम के मित्र, वो किस प्रकार की चेष्टा है, तो आप आगे कह रहे हैं, दक्षिण तरेण बामेन पानी पुष्करण शिरित उत्पाट धृतो तूलहा पर्वत येन तस्मिन्। भगवान आपने क्या किया, आपने वाम हस्त में, जो वाम हस्त के द्वारा वहां जो शिरित उत्पाट धृत तूलहा जो बहुत विशाल जो गोवर्धन पर्वत है, उस गोवर्धन पर्वत को आपने भगवान उत्पाट किया, उठाया उसको। विभ्रमांकुरेण विलासमंजरेण निर्धुत उद्धर्ष दृप्तश्च जंभो मर्दन से दृश्य गर्भितम जिन तेना। और भगवान आपने उस गिरिराज गोवर्धन को उत्पाटन करते हुए अपने हस्त में धारण किया, धारण करते हुए जो इंद्र की जो गर्व है उस गर्व को भगवान ने एकदम खर्व कर दिया, नष्ट कर दिया। गोत्रो गह्वरे अति विचित्र अति विस्तृत निगिरिगर्ते वाशिता अभ्रो व्युभरा अतिवृष्ट वेकुलात्मना सृजना जिन तस्मिन्। तो आपने क्या किया भगवान, जो वर्षा की भय से व्याकुल हुई जो अपना आत्मा है, सुरीजन है, जो ब्रजवासियाँ हैं उनको आपने बचाने के लिए क्या कि उनकी भय को दूर करने के लिए गोवर्धन के नीचे में आपने आश्रय प्रदान कर दिया। भगवान ने छत्र के जैसा उन्होंने धारण किया और उन सभी को जो है उनके नीचे में आने के लिए क्या भगवान ने छत्रवत उन सभी को आश्रय प्रदान कर दिया। कहने लगे तीन चेष्ट तीनों कारितम
मुद्भवद अत्यंत अद्भुत रसार्णवे बांधव प्रजानां मज्जनम येन तस्मिन्। और भगवान उन सभी को आपने आश्रय दिया और आश्रय दे करके इस प्रकार आपने जो कार्य किया, जो चेष्टा किया, उसके द्वारा आपने उन जो आत्म है, सुरिजन है, उनको आश्चर्य जो रस हैं उस रस के सागर में आपने उनको निमज्जित करा दिए। यानी सभी आश्चर्यित हो गए। भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथ को उठा लिया और धारण करके रखी हुई और सभी को कहा कि नीचे आ जाओ, और सब नीचे आ गए। और बरसात खूब प्रबल तरफ बरसात हो रहा है तो भी कुछ हो नहीं रहा, तो उस बात से सब आश्चर्यित हो गए। नंदिता वृष्टि त्रास निवृत्ता। अब जब वृष्टि का त्रास यानी बरसात का जब त्रास खत्म हो गया, बरसात समाप्त हो गए, नंदिताशिर मित्र संचित्र विक्षितम विस्फुरित भ्राजमान आननम जस्य। तो जैसे वृष्टि का भय यानी जो बरसात हो रहा था तो वो गोवर्धन भगवान ने धारण किया, उससे अब बरसात तो नहीं आ रहा लग रहा, तो उनके भय निवृत्त हो गया कि अब कुछ होगा, ये भय उनके हृदय से खत्म हो गए। तो वो वृष्टि की भय निवृत्त होने पर सभी आनंदित होकर के अपने जो मित्र मंडली है, जो गोपगण सुरितगण हैं, सभी इक्षतम विक्षतम भगवान को और देख रहे थे। भगवान के क्या देख रहे थे, बोले विस्फुरित भ्राजमानम आननम यशस्मिन, जो भगवान के अद्भुत सुंदर मुखारबंद है उस मुखारबंद का दर्शन सब देख रहे थे, उस मुखारबंद के स्वभाव को सभी दर्शन कर रहे। और भगवान क्या करे, बोले मे दुरया स्मित को मद्याकृतम रक्तस्व सस्मिन अनुरागिन ज्योतस्व चंद्रावल्यादि ज्योति वृंदस्य मारणम सत्कार जिनतस्मिन। तो भगवान इधर क्या किए कि भगवान आप स्मित को मुझे आकृतम थोड़े थोड़े मुस्कुराते हुए, अतः अति स्निग्ध जिनकी मुस्कुराहट में दुर्या स्निग्धम स्मित को मुद्या करतम, बहुत सुंदर भगवान थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे थे। तो उस मुस्कुराहट से आपने जो अनुरक्त हैं, कौन अनुरक्त हैं, जो चंद्रावली आदि ज्योति ब्रजगोपी, उनके ज्योति वृंद से माननम सत्कारम, तो उन ज्योतियों का आप माननम अर्थात सत्कारम में उनकी सत्कार करने लगे। यानी उन मुस्कुराहट के द्वारा उनको ये आश्वासन दिया कि कोई भय नहीं है, हम यहाँ पे जब तक हैं। तो वो का उनके और दर्शन देखा और देख करके जो मुस्कुरा रहे भगवान उससे वो सभी प्रसन्न हो रहे हैं। तदुर्दुस्थितम गिरिराजम वृक्ष भीता कौतुकाक्रांतम तन्मुखम आलक्ष्य नंदिता कथम अयम बालवनी तो कुमलोपि गिरी गिरिम ईदृशम धत्ति विस्मया चिता च माता तस्य पाणिग्भा मुपलालिते। तो भगवान ने अपने हस्त में गिरिराज को धारण की हुई थी, तो गिरिराज को भगवान के हाथ में देख करके भीता कौतुकाक्रांतम भीत हो गए थे, कौतुक से आश्चर्यित हो गए, तन मुखा मालक्ष नंदिता, परंतु जब भगवान के मुखारविंद को देख रहे तो आनंद हो रहा है और सोच रहे हैं कि बाल अथम अयम बालन वनीता, ये जो बालक हैं ये तो बालक हैं और नवनीत से भी कमल है, तो कैसे इसने इस गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, ऐसे विस्मयाचिता सा इस प्रकार विस्मय हो करके जो मैया यशोदा सोच रहे थे, परंतु जब देख रहे थे भगवान को और तो बड़ा आनंद आ रहा था। पाणिग्भम उपलालिते, तो भगवान को अपने हस्त से बार बार प्रुंचन कर रहे थे, कुछ ना हो कुछ ना हो, पाणिग्भम उपलालिते लालन कर रहे थे, जो ऐसे आदर करते हस्त से ऐसे मुख प्रुंचन आदि कर रहे थे। तदानीं चारु चंचल लोचनांचलयाराधया उपि निभालते, तो उसमें हमारे जो श्री जी राधा रानी है वो चारु चंचल लोचनांचल राधा पे निभालते। तो हमारे श्री जी जैसे हमारी मैया अपने हस्त से श्री ठाकुर जी को जो है आदर कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार हमारे जो श्री जी हैं, श्री जी उस समय में अपनी चार चंचल सुंदर
चंचल नेत्र के द्वारा श्री भगवान को आदर कर रहे थे, यानी प्रेम सुधा का दर्शन कर रहे थे और करथ निभालित उनको भी लालित कर रहे थे, अर्थात प्रेम सुधा का दर्शन कर रहे थे जिससे कि श्री ठाकुर जी को श्रम ना। तो कह रहे एतस्मिन नह अपि जन संवादे हरिरेशो में नीतु दृष्टि गिरीरपि गिरीरप्य ततो अस्मे स्मितु कटाक्षुदं वितरामि मया पुष्ट गिरिं विभयादति पत्रं पर दृष्टि तीर्थ। तो श्री भगवान गिरिराज गोवर्धन को धारण किए, तो श्री जी क्या किए कि अब इतने सब लोग बैठे हुए हैं अपने जन संबंध हैं, तो श्री भगवान इतने सभी के सामने बैठ कर के भाई मेरे वार तो देख नहीं सकते हैं, केवल मेरे वार देखेंगे तो सबकी नज़र पड़ेगा कि देखो वो राधा की ओर ही दिख रहे हैं। तो एतस्मिन नह अपि जन संबंध हरिरेशो महितो दृष्टि, वो इतने लोगों के बीच में मेरे वार देखेंगे तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो श्री जी ने हमारी की कि बोले श्री जी ने दृष्टि धृतु गिरीर अपि अपि ततो अस्मय स्मित कटाक्ष दम। तो श्री जी ने सोचा कि भाई मैं काम करता हूँ, मैं ही इनकी और देखता हूँ और देख करके मैं कटाक्ष करती। तो श्री जी थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए आपने दृष्टि को वक्र करते हुए भगवान की ओर देखे और आपने जो ये वक्र दृष्टि है उस दृष्टि के द्वारा श्री भगवान के और कटाक्ष शोधम वितार्थी कटाक्ष रूपी जो सुधा है उस सुधा को सृजी प्रदान करने लगे। इसलिए कि सृजी सोचे कि अगर मैं कटाक्ष सुधा को इस प्रकार श्री भगवान को अर्पण करूंगा वितरण करूंगा तो श्री भगवान अनायास से ही वह गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लेंगे, उसको धारण करने में भगवान को कोई बिल्कुल श्रम नहीं होगा। पुष्ट गिरिम विभादि वक्र प्रतिष्ठित, इसी अभिप्राय से श्री किशोर जी अपने कटाक्ष को वक्र करती हुई अपने कटाक्ष सुधा का वितरण वर्षण श्री ठाकुर जी के ऊपर करने लगे। बोलो श्री किशोर जी की, तुम्हारे किशोर जी कितने प्रेमी हैं, श्री ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं, श्री ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन धारण की हुई और हमारे श्री जी दिख रहा है कि चलो इतने लोग बैठे हुए तो हमारे और देख तो नहीं सकते, तो हम ही कटाक्ष सुधा का दर्शन कर देते ताकि श्री ठाकुर जी को कोई जो है कष्ट ना हो, गिरिराज गोवर्धन धारण करते हुए कोई दुख ना हो। कितने प्रेमी हमारे श्री ठाकुर जी श्री किशोर जी। तो कह रहे हैं तथा च उभय अत्र रसो वृष्टिर अभुद्धि व्याजिते, तो कह रहे हैं कि जब श्री जी हमारे ठाकुर जी को और देखे तो काफी समय से श्री जी हमारे किशोरी जी को और देख रहे थे, किशोरी जी जो है श्री ठाकुर जी को और देख रहे थे। तो अब क्या हुआ कि उभय अत्र संप्रष्टि, अब श्री ठाकुर जी भी श्री जी को और देख रहे हैं, पहले हमारे श्री जी कटाक्ष का वर्षण कर रहे थे, अब दोनों तरफ से वर्षण हो रहा है। उभय अत्र रसवृष्टि यानी श्री किशोर जी जो है श्री ठाकुर जी के ऊपर रसवर्षण कर रहे हैं कटाक्ष का, और श्री ठाकुर जी श्री जी के ऊपर कटाक्ष रसवर्षण कर रहे हैं कि हम हैं तो कोई बिल्कुल चिंता मत करो। बोले इस प्रकार रसवृष्टि अभूदित विजयते, भाई दोनों प्रकार तरफ से जो रसवृष्टि यहाँ पे होने लगे, इस प्रकार भाव का वर्णन कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं मारुतुन्मदा जे चंड नीरद मंडला जे चा शुक्र निर्मुक्ता अशन स्तेषम बार नहीं बार। तो कह रहे हैं कि वायु जो है वो बहुत तीव्र से बह रहे थे और चंड नीरद मंडला और जो प्रबल मेघ है उस प्रबल मेघ आदि को अर्थात इंद्र ने जो वज्र आदि का भी प्रयोग किया था तो उन सभी को अपनय स्तेषम अर्थात शत्रु के द्वारा जो शत्रु निर्मुक्त जो मेघ है वायु है और वज्र आदि हैं उन सभी को भगवान ने निर्मुक्त कर दिया निवृत्त कर दिया। अशनस्ते संवारणे उसके निवारण करने में आप कैसे हैं तो समार्थक है ऐसे श्री भगवान। तथा शति संपद अंधिते
ऐश्वर्य मत्तीन सक्रीन संचित गर्भ सजस्ा जस चरवनम तस्य कारण हेतु करदरित्र। तो भगवान ने क्या किया, वहाँ जो इंद्र है जो अपने संपत्ति आदि के कारण से यानी अपने ऐश्वर्य से जो मत्त हो चुके हैं, ऐसे मत्त जो इंद्र हैं उसके जो संचित गर्भ हैं उस गर्भ को भगवान आपने क्या कर दिया, चरवणम खरवणम खर्ब कर दिया, भगवान नष्ट कर दिया उसकी गर्भ को, उसके अहंकार को, उसके शरीर को, अभिमान को भगवान ने तोड़ दिया। तो कारण हेतु कर्तरी, तो व्याकरण के लिए क्या कि हेतु हेतु तृतीया तृतीया का प्रयोग हुआ है। कियंत कालम गिरी दधार तत्र, बोले कितने दिन तक भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। तो कहले सप्तवासरम व्याप्य हो हस्त शस्त्रे करतले शायितो दूल पर्वत जीन तस्मिन, अर्थात 7 दिवस तक श्री भगवान आपने वाम हस्त में गोवर्धन को धारण किया हुआ था। वहाँ जो अद्भुत पर्वत है उस श्री भगवान के हस्त कमल में 7 दिन तक शायितो यानी रहा, शयन करते हुए रहा। सप्तवाशरम इति त्रिभुवनम इत्यादिवत, सप्तवाशर का तात्पर्य है कि दिवस भी 7 ही दिन हैं और भगवान तो त्रिभुवन को धारण करते हैं, तो 7 दिन धारण करना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। त्रिभुवन की जो अधिष्ठाता है तो त्रिभुवन को धारण करके रखे हो तो पर्वत को नहीं धारण कर सकते, बोले इसलिए धारण बिल्कुल कर सकते, इसलिए कहा 7 दिन धारण कर लिया जैसे त्रिभुवन को धारण किया हुआ है उसी प्रकार धारण किए भगवान एवं निर्मदीकृत है ना। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान ने रास किया, देखो रास का प्रसंग अभी आने वाले हैं, तो कई लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने रास किया, और आजकल तो डिजिटल लोग है भाई क्या क्या गाना बनाते हैं भगवान के नाम पे भी नहीं छोड़ते ये लोग, भगवान को भी क्या क्या देखना पड़ रहा है, बोले कृष्ण अगर करते तो लीला है और हम लोग करेंगे तो सीख नहीं है। तो हमारी बात भी हम भी कहते हैं कि भाई ठीक है तुम कृष्ण ने जो किया सो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस एक बार आपने हाथ को 7 दिन उठा करके रहना, अरे कोई बात नहीं थी, 1 दिन भी 7 दिन छोड़ो, चलो 2-3 घंटा के लिए अपने हाथ को बस उठा के रख लेना, उसके बाद तुम रास करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर कोई तैयारी नहीं होता उसके लिए। फिर अरे महाराज, क्योंकि सब वो लगता है कि भाई कृष्ण हम भी बनने जाएंगे, पर कृष्ण बनने जब जाते तो पूर्व में अघासुर बघासुर जो भगवान ने वध किया, अग्नि को पान कर लिए, ये सब जब करते समय याद नहीं आता है कि हम कृष्ण के जैसा कार्य करेंगे, पर जैसे रास आएंगे, अरे हम रास कर रहे हैं भगवान तो हम भी, अरे भाई तो भगवान पहले अग्नि का पान कर लिए 2 बार, तुम भी 2 बार पान करो, कम से कम गिरिराज को 1 ईंट ही उठा करके रख लो 7 दिन अपने हस्त में, देखो तो सही कितने सामर्थ्यवान हो। तो खुद की सामर्थ्य तो होते नहीं और फिर चलते हैं भगवान बनने के लिए, आजकल बड़े भगवान बनने का टेक्निक हो गया है, वृंदावन में भी भगवान की कमी नहीं है, चरण में तुलसी चढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे भगवान वृंदावन में उपलब्ध हैं कि जिनके 1000 करोड़ों शिष्य हैं, बाहर देश में भरे पड़े हुए हैं, बगल लगा करके पंचक्रोश में बैठे हुए हैं और पंचक्रोश में बैठ करके अपने चरण में तुलसी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण ही हैं। बताओ कितने अनर्थकारी लोग हैं ये, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं इस संसार में भगवान। तो इन इन जो भगवान बांधते हैं ना ऐसे, तो सबको पड़ा, जैसे पुंडरीक ने भगवान बना था तो पुंडरीक को भी भगवान ने दे दिया, उनको सत्कार कर दिया, और बाकी भगवान के भी ऐसे कभी चेले हुए, चलो कम से कम हनुमान जी अगर होते तो उसको भगवान छुड़वा ही देता कि तू भगवान है। पुंडरीक के साथ एक बार भेंट भी हुआ था, जो स्वयं भगवान बने हुए थे ना, तो उसके साथ हनुमान जी का भेंट हुआ, हनुमान जी को कह रहा था कि मैं भगवान हूँ, हनुमान जी ने 1 थप्पड़ मार दिया था उसको, वो थप्पड़ खाकर कोई भी अज्ञान हो गया। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी के जो चेले होते हैं ना, पक्के चेले, वो लोग भी ऐसे छोटे मोटे भगवान को कूट देते हैं, वो भगवान उनको होना नहीं पड़ता है। तो अब कली युग में कुछ करेंगे तो फिर पुलिस वाला आकर के पकड़ेंगे, तो इसीलिए बैठे हुए चुपचाप, चलो भगवान की कुछ लीलाएं दिख रहे हैं। पर ऐसे अनर्थकारी जो लोग हैं इनकी क्या अधगति होगा, सोचो जरा क्या अधगति होगा, कि स्वयं को भगवान बनाते हुए सामर्थ्य थोड़ा बहुत नहीं है और खुद पता नहीं, चलो हमने थोड़ा बड़ा आश्रम बनवा लिया, कुछ प्रचार कर लिया, 10,000 लोग पीछे घूम रहा है, इसलिए वो भगवान हो गए। तो कली युग में तो भाई ऐसे कितने ना जाने भगवान पैदा हो जाएंगे, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो भगवान ने
इनकी जो ऐश्वर्य है, जश है, गर्व है, सबको नष्ट कर दिया। बार बार भगवान करते जिनको ऐश्वर्य जो अभिमान हो जाता है। इंद्र को अभी अभिमान भंग किया, थोड़े दिन बाद फिर अभिमान हो जाएंगे, फिर पारिजात हरण के समय फिर उनको अच्छे से भगवान फिर याद करा देंगे, फिर भी भूल जाते हैं। भाई इंद्र पद ऐसे हैं, पद की जो है ना एक बड़ा महिमा है कि पद में बैठते ही लोग उस पद के गरिमा में ऐसे मत हो जाता है कि सब शिष्टाचार भी भूल जाते हैं, कि सोचते कि भाई मैं पद में बैठ गया तो मेरे समान और कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं बड़ा सयाना आदमी हूँ, मेरे समान कोई नहीं, इंद्र पद में कोई बैठता तो ऐसे हो जाता। तो पद बड़ा खतरनाक है, तो इसलिए पीठाधीश्वर पदाधीश्वर इत्यादि से बचना चाहिए। एक हमारे एक बात है जो है हमारे सिद्ध जो हम प्रेमानंद शास्त्री जी हैं, जो जिनका ब्रज की माधुपुरी आपने पढ़ा होगा, एक ग्रंथ हमने निकाले थे ब्रज की माधुपुरी। तो वहाँ जो महाराज जी थे वो राधाकुंड में भजन करते थे, वृंदावन में भजन किए बहुत विधक, इनका चित्र ही लगा हुआ है यहीं पे भागवत न्यास में। तो राधाकुंड में भजन करते थे, तो उस समय सभी ब्रज के संत महंत आ गए कि महाराज जी एक निवेदन आपसे हैं कि आपको जो है हम सभी चाहते हैं कि राधा कुंड के गद्दी पे बैठाना चाहते हैं महंत पद में। तो महाराज जी ने कहा ठीक है चलो, थोड़ा सा मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, हमारे बगल में मौनी बाबा है तो मैं तो उनके आदेश अनुसार चलता हूँ, बताओ इतनी बड़ी संत महात्मा है फिर भी अनुगत्य नहीं छोड़े। इसीलिए कहा जो अनुगत्य लेकर के किसी के आश्रय में लेकर के भजन करते हैं उनकी भजन सक्सेसफुल हो जाता है, पक्के हो जाते हैं, पर जो अनुगत्य रहित होकर के भजन करते हैं उसका कुछ नहीं होता, अनुगत्य बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने गए मौनी बाबा के पास, मौनी बाबा से जाकर के कहा कि बाबा ये सब आए हैं संत महंत और मुझे राधा कुंड के गद्दी पे बैठाना चाहते हैं महंत पद में, अब मैं क्या करूँ। तो मौनी बाबा ने बस लिख दिया कि जो है प्रतिष्ठा केवल होई वे सार, यानी बोला कि प्रतिष्ठा ही केवल सार मात्र होगा और कुछ नहीं होगा। तो जब उन्होंने लिख दिया तो वो पढ़ करके प्रेमानंद शास्त्री जी ने फिर इन्होंने बुरा मना कर दिया, इन्होंने आकर के कहा कि बाबा हाथ जोड़ दिया, हम हर पद के बिल्कुल लायक नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं बैठेंगे, सीधा मना कर दे, इतनी बड़ी पद को मना कर दिया। तो संत ऐसे ही होना चाहिए कि वो बड़े बड़े पद को भी मिले तो वो ठुकरा दे, क्योंकि वो उनकी लालसा उनको नहीं है, उनको लालसा है भगवत भक्ति की, भगवान को प्रिय पाने की अभिलाषा है। पद प्रतिष्ठा तो ऐसे ही, जब कोई भक्ति करते, अरे भगवान के ही चेले की भक्ति कर लो, हनुमान जी श्री राम जी के सबसे परम सेवक दास, अष्ट सिद्धो नवनीत के दाता, भगवान तक जाने की आवश्यकता नहीं है, अष्ट सिद्धि नवनिधि चाहते हो तो भाई भगवान के भक्त का ही पूजन कर लोगे तब भी मिल जाएंगे। तो भगवान को पाना है तो ये भगवान को पाने के लिए तो बस प्रेम चाहिए, दूसरी वस्तु के लिए भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो जाते वो मूर्खता है, क्योंकि वो जाने की आवश्यकता नहीं, तो उनके चेले लोग ही दे देंगे, पर भक्त तो क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें भी सामर्थ्य है कि वो प्रेम को दे सकते हैं, इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं गुरु गोविंद गुरु हैं उनके आश्रय में रह करके ही फिर भजन किया जाता है। तो कहने लगे एवं निर्मति कृतिनो शक्रु ने शक्रेनो संवृतानाम निरदानाम इक्षणेनो निवृत्ते प्रहिष्टे हृदानी झंझानिलनो निवृत्तो निर्मलश्च आकाश अभूत अशमंद सुगंधिना प्रसृति गिरिगर्तादि निसर्तव्य रोचते चेद इति मंज भाषित मद्रा कृतो बांधवानिलं ततो निष्क्रामो येन तस्मिन्। तो भगवान ने क्या कि कहा फिर अपने आत्मीयों सजनों को बुला करके कहा कि देखो अब हमने जो इंद्र के द्वारा जो मेघ आदि को और वायु प्रभा आदि को जिसने किया था, वज्रपात आदि कर रहे थे, वो सब अब निवृत्त हो चुका है। तो उसको देख करके भगवान ने कहा इनको कि देखो सब निवृत्त हो चुका है तो आप सब आनंदित हो जाओ, और आपने जो सजन बांधव कहा इदानीम झंझा निवृत्त, अब तो झंझर आदि सब निवृत्त हो गया,
निर्मल आकाश, आकाश जो पहले काला बादल से छाए हुए थे अब निर्मल हो चुके हैं। वायुश्च मंद सुगंधि, और वायु में बिल्कुल मंद मंद सुगंध बह रहा है। प्रसरती गिरि गर्तादि निषिद्ध, इसीलिए जो गिरिराज गोवर्धन के नीचे से आप सभी आप चले जाओ, आप अभी बाहर निकलो। रोचते चेदिति, इस प्रकार जो है निरसवतिम्बर रोचते, ये रुचि हो तो आप निकाल जाओ यहाँ से, क्योंकि आप जरूरत नहीं है रहने का। इस प्रकार मंजु भाषित, इस प्रकार के मधुर मधुर भाषण भगवान करने लगे। तत् मधुर मधुर वाक्य कहते हुए अपने बांधव आदि को पर्वत के नीचे से उन्होंने अपसारित कर दिया, चले जाओ, बोला कि चले जाओ आप यहाँ से जाओ, तो उनको बाहर निकाल दिए। तदा कौतुको कौतुको चले मित्र मंडल गितो मंडल विक्रम जी नृत्य जिस तस्मिन, तो उसके बाद में सभी आनंदित हो गए, और आनंदित हो गए कौतुक करते हुए उच्च उच्च मित्र मंडली जो है उच्च स्वर में भगवान की गुणगान करने लगे कि भगवान आप मंगल विक्रम हैं, आप मंगल स्वरूप हैं इत्यादि कह करके आपके गुण कीर्तन करते हुए अपने गृहाभिमुख में गमन किए। अपने घर में बंधु शोषा परिच्छदेश निर्गशंतु पाद पर उज्जल तद निजस्थिर योजिता, तो जो भी अपने मित्र वर्ग आदि गोपगण है सब आपने अपने जो है घर में गमन किया। उसके बाद में श्री भगवान ने क्या किया, जो गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया था उनको, उस गोवर्धन को अपने जो स्थल में ही जो जिता उस जहाज से उठाए थे वहीं पे उनको स्थापित कर दिया। संस्थापित तो अतुल निरुपम पर्वत जना, अर्थात वहाँ जो अतुलनीय निरुपम सुंदर जो गोवर्धन पर्वत है उसको भगवान ने वहीं पर स्थापन कर दिया। महांतम एतत् कार्यभारा कुतु शीचकार तत्राव सर्वदेव, तो कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसे महातम कार्य किया तो सभी ने इस कार्य को जो है बड़े हृष्ट से आनंदित होकर के सभी ने इसको जो है ग्रहण किया कि बड़ा आश्चर्य कार्य किया है भगवान, बहुत महत् कार्य किया। यदुक्तम स्वयं, तो भगवान ने इस प्रकार की जो बड़ा कार्य है जो गिरिराज गोवर्धन को धारण किया कार्यभरम को, तो उससे कर क्यों भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, क्या कारण है, कुतः शिचकारा किस लिए किया, तो उसने कहा रहे हैं सर्वदेति सभी के लिए किया। यदुक्तम स्वयं एव, जो स्वयं भगवान ने कहा, क्या कहा कि तस्मात् मत्सरणम गोष्ठम मन्नाथ मत परिग्रह गोपाय स्वात्म जोगेन स्वयं में व्रत आहित इत्येतत्, कि जो यह ब्रज है और ब्रजवासी हैं, ब्रज और ब्रजजन ब्रजवासी और ब्रज के सब कुछ मेरे ही शरणागत है, और इसीलिए ने ब्रज के वासी और ब्रज को रक्षा करना मेरा एकांत व्रत है, इसलिए भगवान ने इस गिरिराज गोवर्धन को उठा करके अपने ब्रज की रक्षा और ब्रजवासियों की रक्षा या अपने प्रियजनों की रक्षा किया, क्योंकि भगवान का ये व्रत है कि वो भक्तों का रक्षा करते हैं। ततो फुल्लेह स्वपुत्र विक्रम हेतु कर्षण रोमांचित ब्रजनाथ पितृ नवम हर्ष वीक्षण तीनो शक्षण पितृ शिवाय संपन्न हमद्योति शुभसव इत्यर्थ। तो गोवर्धन को जब स्थापन किया तो उसके बाद में अपने पुत्रों की जो विक्रम है उस विक्रम को देख करके रोमांचित तो हुए कौन, ब्रजनाथयो तद्दयो माता यशोदा और पिता नंद बाबा, दोनों ही हृष्ट हो गए आनंदित हो गए। और पितृ हो यह नवम हर्ष वीक्षण तीनों शक्षण पित्रहा, और माता पिता जो है हृष्ट होकर के भगवान का दर्शन करने लगे। तीनों शक्षण पितृ शिवाय संपन्न हमद देशुल से त्याग था, और भगवान आप भी मन में यह सोचने लगे कि मैं भी अपने पिता माता का परिचर्या करने में यानी उनकी देखभाल करने में मैं भी जो है सेवा करने में संपन्न सेवा करने में सक्षम हो गया,
यानी उनको आनंदित किया, मैं भी सेवा करने में अब मेरा सभा सफल हो गया कि वे आनंदित हुए। हम दिति सोच सके त्यर्थ, इस प्रकार मन ही मन भगवान आनंदित होने लगे, उनके हृदय में आनंद उत्सव होने लगे। तदा कुंकुमहिर अक्षतहि पल्लवैश च आम्रादि कीशलैर अक्षतः पूर्ण पाणयो वा वल्लभ्यस्ताभि कृतम रक्षणम स्वस्ति वाचन पूर्वकम यश्य तस्मिन्। तो कह रहे कि उसके पश्चात में कुंकुम, अक्षत, अक्षत यानी चावल, और आम्र आदि पल्लवी, आम्र आदि की जो पंच पल्लव जिसको हम कहते हैं, आम्र आदि के पांच पल्लव होते हैं, पंच वृक्ष उसकी पल्लव आदि होते हैं, इसकी दो हस्त में धारण करते हुए हैं जो गोपीगण अक्षत पूर्ण पाण है, अक्षत से भरे हुए पूर्ण पात्र को उसके द्वारा जो है बल्लवस्ताविकतम रक्षणम, तो गोपो गोप पुरंधरीगण जो है वह सभी स्वस्ति वाचन करने लगे, इसलिए कि आपके रक्षा के लिए, आपकी शांति विधान करने के लिए स्वस्ति वाचन करते हुए उनका जो है शांति कामना करने लगे। यश तस्मिन् अथो विजनम कृष्णम प्रति शरणार्थिनः शुक्रस्य आगमनम आहवच्छन्ति। तो जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वहाँ जब उसके पश्चात में श्री भगवान कृष्णचंद्र जो है एकांत में चले गए, विजनम निर्जनम, तो निर्जन में जब कृष्ण गए, सब चले गए, फिर भगवान एक थोड़ा सा निर्जन हो गए। तो जब भगवान कृष्ण निर्जन हो गए, अकेला हो गए हैं, तो उनके प्रति शरणार्थी हो करके जो इंद्रदेव है वो आगमन किया, भगवान के निकट में आए। छन्न भाव सूर्य तस्मिन् अत्युच्च शरणसानी ग्रंथे प्रस्थे विषय शक्रेण पीड़ितम प्रवराम शुकम यस्मि तस्मिन्। अर्थात इंद्रदेव के द्वारा प्रतिष्ठित की गई जो गोवर्धन के शिखर में जो रत्न सिंहासन है, उस रत्न सिंहासन में जाकर के भगवान विराजमान हो गए। अर्थात जब सूर्य अस्त चला गया, तो उस समय में अति उच्च जो शैल है, गिरिराज गोवर्धन के सबसे उच्च शैल है, उसमें जो है इंद्र के द्वारा प्रतिस्थापित की गई जो रत्न सिंहासन है, उसमें श्री भगवान को विराजमान होते हुए उन्होंने देखा। किसने देखा? इंद्र ने देखा। तो स्नुहु प्रस्तो शानुर स्त्रिया मित्यम रहा। तो ऐसे शुक्रेण पीड़ितम प्रवरांशुकम जिसमें तस्मिन् स्नुहु प्रस्तो शानुर स्त्रिया रहा हंसित तुली निभृत विचित्र पट्टाम्बर निर्मित स्तरण पृष्ठ प्रधान सुविता शक्रेण संस्थापित रत्न सिंहासन अधिष्ठित इत्यर्थ। तो भगवान के लिए ही ये सिंहासन इंद्र ने स्थापन किया था, और जब देखा भगवान को बैठे, तो वो बड़ा भय भय उसको लगा। तो कैसा सिंहासन है? बोले हंसी तुली, जो हंस के जो पंख होते हैं उसमें वो जितना कोमल होता है उससे तुल्य, और निभृतम अतल बहुत सुंदर विचित्रम पट्टाम्बर से जो है सजाए हुए तरुण पृष्ठ प्रधान है, अर्थात पीठ में पीठ को रगने के लिए जो जो सिंहासन है, तो पीठ को रखा जाए ऐसे तरुण पृष्ठ प्रधान है, अर्थात हिलान देने के लिए जो पीठ लगाने के लिए जो जैसे बनते हैं सिंहासन में वैसे शोभितम शक्रेण, इस प्रकार सिंहासन में श्री भगवान शोभित हो रहे। वो कौन है? तो शक्रेण शक्रेण संस्थापितम, अर्थात जो इंद्र है, इंद्र के द्वारा स्थापित जो रत्न सिंहासन है उसके ऊपर श्री भगवान विराजमान हो रहे थे। सर्वेश्वर यम, भगवान सर्वेश्वर हैं, महापराधमयी क्रुद्ध इति भीतेनो, कि यह तो सर्वेश्वर है और मैंने अपराध किया है, महापराध में क्रुद्ध दी कि भाई मैंने तो अपराध किया, अब इससे भगवान क्रुद्ध नहीं हो गए, इस भय से वो कांप रहा था। कौन? इंद्र थर थर करके कंपित हो रहे थे कि भाई हमने ऐसा काम कर दिया। भीतेन भूतस्य मे न अदृश्यम कर्म युक्तमिति,
कि मैंने जो कार्य किया वो बिल्कुल कार्य हमने सही नहीं किया, ऐसा सोचते हुए लज्जितिनो शक्रण वंदिता, शक्र में अर्थात जो इंद्रदेव है वो लज्जित होकर के भगवान का वंदना करने लगे। पाद पंकज यो पार्श्वजांक्षितस्मिन्, श्री भगवान आपके श्री चरण कमल और चरण धूलि का वंदना करने लगे। हे सर्वेश, हे भगवान, समस्य मुझे क्षमा कीजिए, अज्ञस्य दासस्य मैं अज्ञ हूँ आपके दास, मैं अपराधान्ति मेरा अपराध हो गया, शक्रन कृत पाद वंदन। तो इस प्रकार से इंद्रदेव ने श्री भगवान के निकट प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे, मुझे गलती हो गया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सर्वेशतम त्वय त्वय इदानीं ज्ञातमिति स्मरण अपराधम पूर्वतापि त्वया कश्चित् मम मनरथो साधित इति सम्मुखेन विस्फुरता अति प्रसन्नेन मुखेन लुप्त वासवस्य दिव्यभ्रमोजेन। तो भगवान ने जो है मुस्कुराते हुए कहे कि देखो मैं सर्वशक्त हूँ, तुम तो अभी वो जान गए हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम अपने अपराध का स्मरण करते हुए मेरे पास जो क्षमा मांग रहे हो इसका कोई आवश्यकता नहीं। देखो तुम जो किया है ना वो पहले से मेरा मनरथ था, तुमने तो मेरा मनरथ को ही साधन कर दिया। क्या मनरथ था? कि भगवान भी चाहते थे कि सभी ब्रजवासियों को एक जगह में ही कम से कम इकट्ठा में देख लूँ, सब आ जाए, और जो नए नए जो ब्रजवासी हैं गोपियाँ उनका दर्शन तो मुझे हुआ नहीं है, तो इसीलिए सबको बुलाए लिया जाए। इसका प्रसंग भक्ति रसामृत सिंध में बहुत संक्षिप्त में श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी किया है कि जो ब्रज के जो अभी अभी जो ज्योति हैं गोपियाँ हैं उनको आने नहीं देते थे कृष्ण के पास, तो इसीलिए सभी का दर्शन भी करने के लिए भगवान ने ऐसे लीला रचाई। भाई कहाँ छुपा के रखोगे, ऐसे लीला रचाऊंगा कि सबको सामने आना ही पड़ेगा, मेरे से कोई दूर भाग रह नहीं सकते, इसीलिए भगवान ने ऐसा लीला स्वयं ही रचा ली। तो इंद्र को कहने लगे भाई तुमने अपराध किया, चिंता मत करो, क्योंकि ये पहले से मेरा मनरथ था और मेरे मनरथ को तुमने साधित कर दिया, इसीलिए भगवान विस्फुरताति प्रसन्नेन, भगवान अति प्रसन्न होकर के मुस्कुराने लगे, और मुखेन लुप्त वासवस्य, और उन्होंने मुस्कुराया तो मुस्कुराते हुए कहा कि जरूर मत इंद्र, कोई बात नहीं है। तो लुप्त वासवस्य भीर्भेम जस्मिन, और हास्य कर बदन से भगवान जो है उनको और देखे, और देख करके इंद्र की जो भय था भी भ्रमो, वो भय को भगवान ने अपहरण कर लिया था, नष्ट कर दिया। और तस्य वासवस्य मनहरु वर्णन द्वारा, और इंद्र के प्रति भगवान ने बड़े ही प्रीति कर कुछ वाक्य भी भगवान कहे। गम्यताम शत्रु भद्रम भ कृतम मेरु शासनम, कहने लगे इंद्र तुम अब जाओ, देखो इंद्र भद्र हो जाओ, अभी अच्छा हो जाओ, ठीक है ना, अब ऐसा वैसा मत करना, और तुम भद्र नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हें अनुशासन कर दिया, मैं तुम्हें भद्र बना दिया अनुशासन के द्वारा, तुम जो अभद्र हो गए थे वो अभद्र से मैंने तुम्हें भद्र बना दिया अनुशासन करते हो। तो कई बार अनुशासन करना बड़ा आवश्यक है, अनुशासन के बिना अभद्र हो जाते हैं, यानी साधु में भी बड़ा अनुशासन होना चाहिए, साधु में भी अनुशासन नहीं होगा, अनुशासन की कमी होगा तो फिर शासन रहित, तो फिर राज्यपाट ऐसे ही चलते हैं, अंधा राजा चौपट नगर, तो ऐसे अंधे राजा होंगे तो भाई पूरे जो है नगर ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए शासन करना अनिवार्य है। अब शासन नहीं करेंगे तो उत्पात हो जाएगा, और कलयुग है भाई, कौन किसको शासन करे, कौन किसको माने, सब आपने अपने स्वयं सब जगत गुरु हैं, तो किसी को शासन कर ही नहीं सकते, कुछ बोल देंगे तो पहले बात कहेंगे कि तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, मानो उन्होंने सारे समस्त शास्त्र का ध्यान कर लिया, बड़े बड़े भजन तपस्या करके श्रेष्ठ पद को प्रार्थना कर लिया, तो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। परंतु भगवान तो कहते हैं कि गुरु शासन गुरुओं को करना चाहिए, शिष्यों को शासन करने का अधिकार गुरु को है, गुरुजनों का है, संप्रदाय का आचार्यों का अधिकार है कि वो संप्रदाय की संपत्ति को, संप्रदाय की अनुशासन और संप्रदाय के आचार और निष्ठा को शासन करके रखे,
संप्रदाय विरोधी कोई कार्य होता है, शास्त्र विरोधी कोई कार्य होता है, तो आचार्य उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए, उसके विरोध करे, उसके खिलाफ बोले और जो धर्म है उसका प्रतिस्थापना करे, वो आचार्य का कर्तव्य। कई लोग कहते हैं कि आप ऐसा कहेंगे, आपका अधिकार क्या है? अधिकार ये है कि आप आचार्य हैं, तो आचार्य का ये अधिकार है स्वाभाविक रूप से कि वो धर्मों का प्रतिस्थापन करे। तो भगवान ने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें शासन करके भद्र बना दिया। स्थीयताम स्वाधिकारेषु भवद्वीर दम्भो वर्जिते, बोले देखो अपने अधिकार में रहो, अपने अधिकार से स्थीयताम अच्छे अधिकार से अपने अधिकार में रहो, उसके बाहर मत जाओ। जितना जानते हो, जितना तुमको कहा गया उतना ही करो, उससे अधिकार मत करो। भवद्वीर दम्भो वर्जिते, और अपने जो दम्भ है ना उस दम्भ को त्याग कर दो। इत्यादि लक्षण यश्यंतम भारतम विवृति, और इस सब त्याग करके अपना बुद्धि को अच्छा बनवा लो। इस प्रकार भगवान ने उसको बुद्धि दिया, उसको उपदेश दिया और कहा ऐसे ऐसे आपने को सुधार लो पहले। तो भगवान ने इनको इस प्रकार से कहा, भीतम लज्जितम च शक्रु प्रियो वचसा स्वस्तिवति। तो यह भीत और लज्जित हुई जो इंद्र है उनको भगवान ने प्रिय वचन के द्वारा आश्वासित भी कर दिया। वो शिव प्रदम गवाम मंगल दातु इंद्रतापम इंद्रता पदम इत्तु निर्भरण तिशन नंदिते। तो कहने लगे गो शिव प्रदम गवा मंगल दातु, गो क्या है तो मंगल प्रदानकारी है, गो जो है मंगल देने वाले हैं, तो गो का कल्याण करो। इंद्रता पदम इत्तु निर्भरण तिशन नंदिते, और इंद्र तो पद केवल धेनुओं की गो की कल्याण करने के लिए ही है। ऐसे सोच करके अतिशन आनंदित था, वो आनंदित होने लगे। गवाम इंद्र भूत्वा धृष्टि इत्यर्थो, तो कहने लगे जो गैया है उनकी रक्षा करना, उसकी पालन करना ही इंद्र का कर्तव्य है। तो कह रहे गवाम इंद्रम भूत इत्यादृष्टि इत्यर्थ अहम किलिंद्रो देवानं तम गवाम इंद्रतम गथा गोविंदा। अब इंद्र कहने लगे कि भगवान आपने हमें समझा दिया, अब मैं समझ गया, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जो कहा कि इंद्र का कर्तव्य है कि वो गाय को रक्षा करे, गाय की प्रतिपालन करे, उनकी कल्याण करे, तो इसलिए भगवान अहम की लो इंद्र देवानम, मैं देवताओं का इंद्र हूँ और आप गवाम इंद्र हा, आप तो गायों का इंद्र है, इसीलिए आपका एक नाम आज से क्या हो जाएगा, कथा गोविंदा, इसलिए भगवान आपको गोविंद शब्द से कहा जाएगा, आज से आपका नाम गोविंद, मतलब गोविंद भगवान की। तो गोविंद इति लोकस्तम गास्यन्ति, लोक आपको गोविंद कह करके गायन करेंगे। भुवि शाश्वतम इति हरिवंशे, नित्य ही आपको इस गोविंद नाम से आपको लोग पुकारेंगे, आपका गायन करेंगे, जिष्णान गायन करेंगे, ये हरिवंश पुराण में ऐसे उल्लेख है। तथा गायन नम्र लंबी नभूर्ति यह स्वहा नारद स्तुम्बुरुस्तुश्वरागणं वृणवंदिते, और इस प्रकार आपके गोवर्धन धारण की जो लीला है उस लीलाओं को देख करके गान करने लगे। कौन? तो नभ में जो है विराजमान जो नारद तुम्बुरु आदि जो ऋषि हैं वो सभी देवर्षिगण भगवान आपके गुणगान करने लगे, अर्थात राग मूर्छना करने लगे। तो मुग्धिन शूर बने दिग्दुजा शूरभ्या दुग्ध पुरुषेन कृत मुक्षण भविष्य पूज्य तस्मिन, और उसके बाद में जो शुरभि हैं जो गाय हैं वो कामधेनु है, उन्होंने अपने दूध से आपका अभिषेक भगवान किया। ततो कल्पितं कृतम अखिलानां पुष्टपानां दिवनम अतुल्यस्य तापमण्डलस्य मोक्षणम जेनः। तो भगवान इस प्रकार से आपने सभी निखिल जो ताप है उस सभी निखिल ताप के आपने आपने दूर किया, अर्थात देवताओं के जो पिष्टपाना तद देवतानाम देवताओं के जो अतुलनीय ताप है, यानी देवों के प्रकोप से कोई भी बचा नहीं सकते, परंतु भगवान आप ही एकमात्र हैं
उस देवताओं की ताप से भी आप बचा सकते, उस देवताओं की ताप से भी आपने भगवान बचा करके मोक्ष प्रदान के लिए, मोक्ष का तात्पर्य यहाँ पे उन देवों की ताप से अपने बचा लिया। तो त्रिताप से अगर बचाया कोई सकता, त्रिताप से अगर कोई बचा सकते हैं तो श्री भगवान ही बचा सकते, उसका तात्पर्य यही है कि आप त्रिताप को नाश करते। मत्त कोकिलस्य विभ्रम वाग्विलास जिस तस्मिन् मंज भाषण इत्यर्थ। तो जो मत्त कोकिल है उस कोकिल के नए आपके बहुत सुंदर स्वर है, अर्थात उस प्रकार वाक्य को आप कहते, अर्थात आपकी कहने की शैली जो है बहुत सुंदर है, आप मंज भाषणी है। माधव इत्यादिकम प्रायोजितम प्रक, माधव इत्यादि शब्द से जो कहा गया कि भगवान मेरी चपल बुद्धि रूपी जो भंवरी है वो सदा ही आपके सन्मुख में होकर के नृत्य करे, यहाँ पहले कह दिया गया है। अंतिम श्लोक में जो है श्री भगवान को नमस्कार करते हुए कह रहे, श्याम तुंग भुजार गले विनिहतो कृष्णेन वृष्टि छटा धोतिर धातु विरीश ताल कुनटी मुखिर गिरिज गोरिता शुष्ठाष्ट पद कल्पितश विपूल छत्रश्च लक्ष्मी भरम बिभ्रद गाढ़ रत्न निर्मित महादंडश्च विभ्राजते। कि हरेर वाम भुजाग्र तत्स्य गिरि शुभामति चारुतम वर्णयति। जो श्री भगवान हरि के भुजा अग्र में, वाम भुजाग्र में, वाम भुजा में जो गिरिराज गोवर्धन को धारण किया उसकी स्वभाव का चारुतम वर्णयति, उस स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। इश्यामिति कहते हुए कृष्णेन श्यामतुंग भुजारगले विनिहितस्तस्य परिस्थापिता एव गिरिर विभ्राजते हैं। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, वहाँ कृष्णचंद्र अपने जो हस्त हैं उसमें अपने धारण किया हुआ क्या, गिरिराज गोवर्धन। तो श्री भगवान के जो श्री अंग हैं वो कैसे हैं, तो श्याम वर्ण है। तो श्याम रूपी जो भुज हैं वो अर्गले, अर्गल शब्द करते थे मणिमय दंड, तो वो स्तंभ जिसको कहते हैं, तो मानो उस स्तंभ के ऊपर, दंड के ऊपर विनित प्रस्थापित येषु गिरिर विभ्राजते हैं, मन उसके ऊपर जो है स्वर्ण की छत्र विराजमान हो रहा है ऐसे। कीदृश वृष्टि छटा धौत स्थाल कुनटीर मुख्य धातुवी गोरतु पित्तिकृत। कह रहे कि भगवान आपने जो है जो गिरिराज को धारण किया हुआ है, तो श्री भगवान गिरिराज गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, तो इतने अद्भुत स्वभाव लग रहे हैं। और वृष्टि छटा धोता, जो बरसात गिरिराज के ऊपर किया किसने, इंद्र ने, तो वृष्टि जो बरसात हुआ उससे क्या हो रहा है, धूत स्थाल कुनटी मुखर धातु भी, तो बरसात होने पर गिरिराज गोवर्धन के ऊपर गिरी तो उससे धूत हो गया गिरिराज गोवर्धन। तो गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जो गैरी इत्यादि जो धातु था वो बरसात से पिघल गल गए, तो उस धातु के द्वारा पीति कृत, तो गरी धातु के द्वारा पीत वर्ण जो गोवर्धन गिरी है वो श्री भगवान के हस्त में धारण हो रहे हैं, यानी वो जो गिरिराज गोवर्धन है वो पीत वर्ण हो रहे हैं, वो जो धारण किए हैं पीत वर्ण हो चुके, वो पिघल कर गए। गोरिता पीति कृत तत्प्रेक्षा, तत्र उत्प्रेक्षा या तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। किम कुर्वन विराजते, किस प्रकार से विभ्राजन कर रहे हैं, शुद्ध अष्टापदी शरणी कल्पित रचित गारुड़रत्न इंद्रनिर्मिता महान दंड तस्य विपुल छत्र से लक्ष्मी भरण विभ्रत सादृश प्रजावशन दर्शन अलंकार। वही बात हमने जो पूर्व में कहा कि जैसे कि इंद्र नीलमणि के मणिमय दंड है और उस दंड के ऊपर लक्षरण का छत्र है, ऐसे श्री भगवान विराजमान हो रहे हैं, मनी श्री भगवान को इंद्र नीलमणि में स्तंभों के साथ तुलना करते हुए गिरिराज जी को पीत वर्ण का धारण हो गया, पीत वर्ण हो गए तो स्वर्ण के छत्र हैं, ऐसा यहाँ पे अलंकार का प्रयोग किया, निदर्शन अलंकार ऐसे उसको दिखाने के लिए। मुग्धेति मुक्त सौरभ नाम धी रसो जजो च भरो जलेति तदनुसार तद विरोचितम। तो मुग्ध सौरभ छंद का यहाँ पे प्रयोग किया है, और कैसे, तो कहते हैं कि रासा जाजो तद रागण सागन जागन जागण भागन रागण, इसका प्रेम करते हुए इसका रचना किया जाता है। चरचरीर इति अन्यत्र, इसको कई लोग चरचरी छंद भी कहते हैं। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की शोभा का वर्णन जो है कर रहे हैं,
श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री ठाकुर जी से ही प्रार्थना कर रहे कि भगवान मेरे जो चंचल बुद्धि हैं वो सदा ही आपके ही सम्मुख में रहे। चंचल बुद्धि रूपी जो भौरा है वो आपके चारों ओर ही घूमते रहे प्रभु, यही हमारे अभिलाष है। अर्थात आपके लीला गान ही हम करते रहे, आपके लीला रस में ही डूबे रहे, यही प्रार्थना। इस प्रकार से श्री भगवान के गोवर्धन धारण लीला समाप्त होता है। आगे श्री ठाकुर जी के नंद अपहरण और उसके बाद में श्री ठाकुर जी के रास क्रीड़ा का प्रारंभ हो जाएगा। संभवतः काल से ही रास की प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि नंद अपहरण बहुत ही संक्षिप्त है। तो आज यहीं पर विश्राम देते हैं। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शितनत परमानंद हरि हरि। बोलो श्री युगल सरकार की, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत कृष्ण भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा श्रीनुदास बाजी महाराज की जय, श्री विश्वनाथ बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अवनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनत परमानंद हरि हरि।